Hey guys, good morning, मैं हर्षित, फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी आज का मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, और अभी मैं चल रहा हूँ अपने कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने अमेठी, तो चलिए चलते हैं। तो भाई की जैकेट ख़राब हो गई है और हम ये भैया के पास आए हैं चेन लगवाने। पैंट भी ख़राब कर दिया भाई ने, अपना चेन तोड़ डाली है। छोटे छोटे बच्चे मास्क लगाने के लिए परेशान हैं। सही बात है, मतलब अमेरिका में आज 10 लाख केसेस आए। और ये मैं अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, ये 15 मिनट से लोडिंग चल रही है। मुझे लगता है कि ये 100 रुपये खर्च ही करवाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, डाउनलोड हो जाता है तो अच्छी बात है। किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। तो अभी मैं अमेठी आया तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ प्रदर्शनी टाइप का लगा हुआ है, तो चलिए आपको आज प्रदर्शनी घुमाते हैं अमेठी की। अभी ये कुछ नया नया लग ही रहा है, अभी पूरी तरीके से लगा नहीं है, चालू हो रही है। ये हर साल अमेठी में लगती है। तो यहाँ पे कपड़े और डेली यूजेज के सामान, होम डेकोरेशन के सामान, और साथ में बच्चों के लिए झूला, बड़ों के लिए झूला, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो 10-15 दिन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, और बहुत सारे छल्ले वगैरह, चाकू वगैरह, और उसके बाद डिनर सेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी तो बस सेट हो रहा है, अभी नया नया अभी लगा नहीं है पूरा, अभी बस झूला चालू है। झूले से मुझे डर लगता है, वरना मैं आपको झूला झूल के दिखाता। गलत बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अगर पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार मैं इसमें 12th पे बैठा था अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे बहुत डर लगा था, तब से मैं आज तक झूले के पास नहीं गया। अंकल जी, कब तक लग जाएगा पूरा? परसों तक लग जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? नहीं, लोकल के हैं। अच्छा, हर बार यहाँ लोकल ये यही वाले बाहर से आते हैं ना? ये साल में एक ही बार लगता है ना? साल में एक ही बार लगता है ठंडियों में। तो अभी एक लोकल है, आधा प्राइवेट, तो अभी पूरा नहीं लग पाया है। तो कल परसों तक पूरा लग जाएगा? अच्छा, मतलब अंदर, अच्छा अंदर आने का टिकट भी लेंगे फिर 5 रुपए टिकट? अभी फ्री है, आप घूम सकते हो। फ्री है, अभी हम लोग आ गए हैं, घूम टहल ले रहे हैं। ये डांस है, ये ब्रेक डांस, मुझे इसका नाम पता है। और यहाँ पे झूलने मजा आती है। और ये है बैलून वाला, गुब्बारे वाला झूला। और अभी ये लग रहा है कॉलेज की लड़कियाँ सब लोग घूमने आते हैं, लड़के लोग। और ये पान मसाला, कंघियाँ। अभी जब खुल जाएगा तब आएंगे हम लोग। देखिए एकदम बढ़िया नए नए बनाए, 10 रुपये का। चलो चलते हैं, जब एकदम खुल जाएगा तो आएंगे। और ये शॉर्टकट लेते हुए बिना रोड के ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग, बिना थार के, बिना रोड के। नहीं, रोड भी नहीं थी, सही बात है। ये अंतु ऑटो स्टैंड है अमेठी का, ये अंतु रोड है। और ये माता कहाँ नहीं है। और अभी हम लोग चलेंगे अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएंगे, अब और आगे, और आगे यूको बैंक के जस्ट, हाँ यूको बैंक के पास हमारे दोस्त की दुकान है, वहीं पे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएंगे अपने।
बढ़िया बाबा। और ये RRPG कॉलेज का मुख्य द्वार। ये आशीष साइबर जोन हमारे भाई की दुकान है और जस्ट उसके नीचे कहाँ है आशीष भाई? आशीष ये उनका छोटा भाई, ये भी यहाँ पे रहता है। कृपया अपशब्द का प्रयोग ना करें, धन्यवाद। तो अभी हमने अपना डॉक्यूमेंट निकलवा लिया है और अब हम चल रहे हैं उसको अपलोड करने। तो चलिए अपलोड करके मिलते हैं। और ये अभी हम लोग अपने दोस्त शुभम भाई के पास आ गए, ये भी ब्लॉग एडिट कर रहे थे, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया। फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाए, तो हम सोचे चलो मिल आते हैं। फोन क्या था? और क्या फोन पहले मतलब पूछना था ये कि 12th 11th नहीं यार आता था, 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 नहीं आता, पहले आता था। देखो होता क्या था, जो 12th वाला सिलेबस है वो आधा 11th पढ़ा था, आधा 12th पढ़ा था। हाँ लेकिन आता 12th वाला ही, दोनों आता, लेकिन लिखा साल वही जाता था ना कि 2014-15। पेपर तुम रिजल्ट में क्या होता है, पेपर दो होते थे हमारे, फिजिक्स के दो पेपर होते थे, आता एक ही फिजिक्स का था। हाँ तो रिजल्ट में लिख के, तो फिजिक्स एक ही आता था लेकिन हम लिखते नहीं थे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास वो होता था टोटल 10, तो हमारे पास रिजल्ट होता था भाई। अरे मेरे भैया बोर्ड में बता रहे हैं 10 पेपर देते थे हम। हाँ ठीक है, हो सकता है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है चलो कर लेंगे, सही कर लेंगे। इसमें ऑर्गेनिक आती है, इतना नहीं याद रखता मैं, इतना पढ़ता उड़ता नहीं था, इतना नहीं याद। और ये भाई घूमने गया था, दिल्ली का ब्लॉग बना के लाया, एडिट हो गया है और वो ऐसे निकाल थोड़ा सा देख रहे हैं। चैनल का नाम गोलची, सब्सक्राइब गोलची, सब्सक्राइब गोलची प्लीज। ये साउंड मेरी छोटी सी आर्मी, सब्सक्राइब गोलची, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लॉगर ब्लॉगर इन द हाउस, तीन तीन ब्लॉगर देख रहे हैं, हम बहुत छोटे और आल छोटे हैं मतलब। और ये इतनी किताब है, बुक्स हैं इसमें से मैं ये बुक ले जा रहा हूँ, पढ़ूंगा वापस करूँगा, ठीक है। और अभी फिलहाल अभी के लिए तो मेरे लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, सही है यार। सब ले जाएंगे एक एक पढ़ने के लिए, बीच बीच में पैसे भी खर्चे करते, पढ़ के दे देंगे। और भाई ने आज 8 लड़कियों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है इंस्टाग्राम पे, तो बहुत खुशी की बात है। इसी की पार्टी भाई अभी देंगे, भाई गेटिंग लड़कीज मल्टीपल लड़की दिखा भी रहा है। पर्सनल चीज़ है सब, व्लॉग में डाल और वो भी फॉलो हो गया, दिखाते हैं ये तो आगे फॉलो कर दिए पहले से तो ये आज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या डालेंगे बता नहीं, चलो चलते चलो चलो बाय बाय। पार्टी नहीं देगा, पार्टी नहीं देगा, पार्टी नहीं देगा भाई। यार उतरो हम मोड़ तो ले, नहीं ऐसे ही चलाओ, नहीं मोड़ पाएंगे। हमें पार्टी चाहिए बस, भाभी नहीं पता नहीं है हमको, पता है सब बोलना। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, मजा आ गई भाई के पास, एक किताब भी मिल गई पढ़ने के लिए, तो 3-4 दिन अपना समय बढ़िया पास हो जाएगा बुक को पढ़ने में। चलो फिर आज के दिन में बहुत मजा आई, अभी बस भाई को मैं घर छोड़ दूंगा और इसके बाद खुद भी घर जाऊंगा, फिर से वापस आऊंगा जिम के लिए, क्योंकि आज सुबह जिम छूट गई है। बस ठीक है, अब शशांक भाई घर जा रहे हैं, हम बाय बोलेंगे। हाँ
हाथ मिलाते हैं, हाथ का भी दिखाओ। चलो आओ, चलो पकड़ो इसको। बाय भाई, कब हमारे हवाले आन करके दे दिया। चलो भाई, मिलता हूँ भाई कल। तो गाइस, हम लोग जिम आ चुके हैं, अभी क्या कहते हैं आज की वर्कआउट लगाएंगे और फिर मिलते हैं जिम के बाद, देखते हैं शाम को जिम में क्या माहौल है आज। तो चलिए लगाते हैं वर्कआउट। वर्कआउट ख़त्म, बाय बाय जिम। तो चलिए चलते हैं, डाइट का सामान लेते हैं, फिर घर चलते हैं। और जिम आज मैं सुबह नहीं आ पाया था, तो कोशिश यही रहती है कि वर्कआउट मिस ना हो, तो आज मैंने शाम को अपनी वर्कआउट लगा ली है और बहुत एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँ। भैया ने वीडियो बना दी तो वही उतना पड़ पाएगी। और फिर चलता हूँ अब, अपनी डाइट वगैरह लूँगा, उसके बाद घर चला चलूँगा। तो भैया के यहाँ से अभी हमने पनीर ले ली है, अब हम घर चल रहे हैं। सुबह सुबह आते हैं तो दुकान खुलती रहती है और रात में देखो कितनी भीड़ रहती है भैया के यहाँ। तो बस चलते हैं घर। तो अभी घर लौटते वक्त दिमाग में आया कि गाड़ी में तेल ख़त्म है, तो हम तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह छोटे भाई को घूमने उमने भी जाना रहता है, तो उनके घूमने के लिए थोड़ा सा तेल डलवा देता हूँ। तो अभी हम जिम लगा के आ गए हैं और रास्ते में आते वक्त बहुत ठंडी थी, तो ये अभी हम आँख से हाथ सेक रहे हैं और थोड़ा सा इसको सेक लेने के बाद अब हम चलेंगे और आज जो भाई ने बुक दी है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पनीर का आखिरी टुकड़ा खा रहा हूँ और ठंड बहुत है, तो अपने आप को बचाए रखिए, हाथ वाथ सेकते रहिए। गांव में है तो ऐसे ही इसको तपता बोलते हैं, इसको जला के सेकते रहिए, ठंडी की बेस्ट चीज़ होती है ये। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, बाय।